काल सर्वदोष क्या होता है और उसका दुष्परिणाम होते हैं क्या, उसकी पूजा करना अनिवार्य है क्या? काल सर्वदोष केवल जब शादी हो जाती है ना, तो पति पत्नी में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि दोनों समझदार हैं पति पत्नी, तो फिर काल सर्वदोष समाप्त हो जाता है। थोड़ा सी ना समझी है तो पूजा करा लेना चाहिए, बहुत जगह काल सर्वदोष की पूजा होती है। काल सर्वदोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, केवल पति पत्नी में थोड़ा सा खींचातानी रहती है उस दोष के कारण। यदि किसी पति पत्नी के बीच में तनाव ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, झगड़े ज्यादा है, तो उन्हें दोनों को समझदारी से रहना चाहिए और भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करना चाहिए और इसकी निवृत्ति करा लेनी चाहिए।